नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 24 हमारे कपड़े को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIEEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी बेहतर समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न पेशों की जानकारी को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रस्तुत पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। अगर हम पुनः अध्ययन की बात करें तो इसमें लेखन कार्य के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न पेशों से संबंधित जानकारी का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या छात्रों को करवा दी गई हो। कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे घर जाकर आप अपने अभिभावकों की मदद से अपने आसपास रहने वाले लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न पेशों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करके एक सूची तैयार करेंगे। उसके उपरांत विभिन्न पेशों के नाम और उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके कार्यों को अलग अलग तालिका में लिखेंगे। विद्यार्थी इस काम में अपने अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। उन्हें यह भी बता दिया जाता है कि आप इस पूरी जानकारी को एक तालिका में भर के लाएंगे। तालिका वापस आपको कल ही लेकर आनी है और जब आप तालिका भरकर लाएंगे तो उसके आधार पर इसी पाठ को आपको दोहराकर आपको समझाया जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ ये तालिका कैसी होती है। छात्रों को जो तालिका दी जा रही है उसमें सबसे ऊपर विद्यार्थी को अपना नाम लिखने के लिए जगह होती है। उसके बाद उस नाम वाली लाइन के नीचे दो कॉलम बने हुए होते हैं। पहले कॉलम में विभिन्न पेशों के नाम और दूसरे कॉलम में विभिन्न पेशों से संबंधित कार्यों की डिटेल लिखने के लिए जगह होती है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश देने के लिए जगह रख रखी होती है, जिसमें निर्देश लिखे होते हैं। अभिभावक विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, तालिका को सावधानी से भरवा कर कक्षा के लिए वापस देंगे। विद्यार्थियों को जब ये जानकारी भरकर वो ले आते हैं तो वे सारी उसमें वर्णित जानकारी कक्षा में सबको सुनाते हैं। इससे हमारे कपड़े कंसेप्ट का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि वे अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों को बिल्कुल सही ढंग से पहचानना शुरू करते हैं। कही जा रही बात को, कहानी हो या कविता हो इत्यादि को वे ध्यान से समझते हुए सुनते हैं और उसमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू करते हैं। सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, शीर्षक, घटनाएं, पात्र आदि के बारे में वे बातचीत करना शुरू करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपने तरीके से वे अपनी भाषा में उसे व्यक्त करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए वे अपने लेखन कार्यों में विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि वे स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्म जागरूकता, गहन सोच, पारस्परिक संबंध का, इन प्रभावशाली संप्रेषण का, इन सभी का विकास होता है और साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे कि सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में इस चैप्टर को क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIEEI को सब्सक्राइब करें।
यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।